अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड दीवाने। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी डेजर्ट फ्रूट क्रीम की रेसिपी। ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप इसे किसी भी ओकेजन में 10 से 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। फ्रूट और क्रीम की ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है। इस रमजान इफ्तार में आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं अमूल की फ्रेश क्रीम। ये बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, हम इसी से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम से भी इसे बना सकते हैं। ये मैंने 250 ml का जो पैकेट है उसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून फ्रेश दही। दही हमारा खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थिक और मीठा दही लें आप। अब इसे मिक्स करेंगे। जब ये हल्का सा मिक्स हो जाए तब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करी है, आप अपने अकॉर्डिंगली शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करें जब तक ये बिल्कुल फ्लफी सा ना हो जाए, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में ना आ जाए। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना फ्लफी सा है। अब ये क्रीम रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम अपने फ्रूट्स ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। एप्पल और मैंगो का मैंने छिलका रिमूव कर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। अब ये सारे फ्रूट्स इसमें डालेंगे, बस फ्रूट्स हमारे खट्टे ना हों। अगर आपको फ्रूट्स ज्यादा पसंद हो तो आप फ्रूट्स ज्यादा डाल दें, या अगर आपको क्रीम ज्यादा पसंद हो तो आप फ्रूट्स कम डालें। देखिए हमने कुछ फ्रूट्स बचा लिए हैं, इन्हें हम बाद में गार्निशिंग में यूज करेंगे। अब हम सारे फ्रूट्स को क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक पैकेट क्रीम कितना सा लग रहा था, लेकिन फ्रूट्स के साथ मिक्स करने पर ये कितना सारा हो गया है। अपन ने जितना ये फ्रूट क्रीम बनाया है ये आराम से 6-7 लोगों के लिए परफेक्ट है। लास्ट में इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने थोड़े काजू और बादाम लिए हैं, इन्हें बारीक कट कर लिया है, इन्हें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी फ्रेश फ्रूट क्रीम बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे अफ्तार के वक्त बनाकर ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन्हें मैंने सर्व कर लिया है। अब जो फ्रूट्स हमने बचा के रखे हैं उन्हें ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। इसमें मैंने थोड़े से मैंगो, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, थोड़े से ग्रेप्स डाल दिए हैं और थोड़े से बादाम और काजू भी गार्निश कर दिए हैं। और ये हमारी टेस्टी फ्रूट्स क्रीम की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।